दोस्तों मैदान चाहे कोई भी हो, लेकिन जब दो भाई किसी खेल में देश का नाम बढ़ाते हैं तो तब बात ही कुछ और होती है। न सिर्फ उससे भाइयों का हौसला बढ़ता है बल्कि देखने वालों के दिल में भी बस यही बात आती है कि काश ऐसा भाई हमारे पास भी होता। तो एक नज़र डालते हैं ऐसे ही भाइयों की जोड़ी पर जिन्होंने क्रिकेट में देश का मान बढ़ाया है और बुलंदियों को छू लिया है। क्रिकेट के मैदान पर भाइयों की ऐसी कई जोड़ियां देखने को मिली जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से खुद को साबित किया है। नंबर 1 हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या। युवाओं के बीच बेहद ही पॉपुलर हार्दिक पांड्या के करोड़ों फैंस हैं। हार्दिक पांड्या और उनके भाई कृणाल पांड्या टीम इंडिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैच खेलने वाले भाइयों की तीसरी जोड़ी है। यूं तो हार्दिक पांड्या कृणाल से छोटे हैं, लेकिन टीम इंडिया में उनके डेब्यू बड़े भाई से 2 साल पहले हो गया था, यानी कि हार्दिक पांड्या 2016 में और कृणाल पांड्या 2018 में टीम इंडिया का हिस्सा बने। स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या कृणाल पांड्या ने क्रिकेट में झंडे गाड़े हैं और दोनों टीम इंडिया के लिए भी खेले हैं। हार्दिक ने 11 टेस्ट और 97 वनडे और 44 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, तो वहीं कृणाल पांड्या ने अब तक 18 T20 इंटरनेशनल में खुद को साबित किया है। नंबर 2 इरफान पठान, यूसुफ पठान। इस लिस्ट में दूसरा नाम आता है इरफान पठान का। हम बात कर रहे हैं यूसुफ पठान और इरफान पठान की, जो पहली बार 2007 में भारत के लिए एक साथ वर्ल्ड कप T20 में खेलते हुए दिखाई दिए। जब इरफान पठान इंडिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाजों में से एक थे और इसी सीरीज में फाइनल मुकाबले में सहवाग की गैर हाजिरी में यूसुफ पठान को अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला था। दोनों भाइयों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। स्टार ऑलराउंडर इरफान पठान और यूसुफ पठान दोनों सगे भाई हैं और दोनों भारत के लिए क्रिकेट खेल चुके हैं। रिटायर होने के बाद भी दोनों ने एक साथ रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज में एक ही टीम के साथ खेलते हुए नजर आए हैं। इरफान ने 29 टेस्ट, 120 वनडे और 24 T20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, तो वहीं बड़े भाई यूसुफ पठान ने 57 वनडे और 22 T20 इंटरनेशनल मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। नंबर 3 ब्रेंडन मैक्यूलम, नॉर्थन मैक्यूलम। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्यूलम ने उनके प्रदर्शन से करोड़ों फैंस का दिल जीत लिया है। क्रिकेट जगत में अनगिनत रिकॉर्ड ब्रेंडन मैक्यूलम के नाम है और इनके बड़े भाई नॉर्थन मैक्यूलम ने भी क्रिकेट में कमाल दिखाया है। ब्रेंडन ने अपने करियर में 101 टेस्ट, 260 और 31 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, तो वहीं नॉर्थन ने 48 वनडे और 83 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। ब्रेंडन नाथन अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं उनके भाई जोरदार गेंदबाजी के लिए मशहूर हैं। नंबर 4 मार्क वो, स्टीव वो। यह दोनों भाई ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए क्रिकेट खेलते हैं। खास बात यह है कि यह दोनों भाई वही खिलाड़ी टीम के लिए बल्लेबाजी करते हैं और दोनों भाइयों का नाम महान बल्लेबाजों की सूची में शामिल है। पूरा ऑस्ट्रेलिया इन बल्लेबाजों की पूरी तारीफ करता है। मार्क वो ने 128 टेस्ट मैच खेले हैं और 8000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। उनके जुड़वा भाई स्टीव वो ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी संभाली, जिन्होंने 173 टेस्ट मैच में 10000 से भी ज्यादा रन बनाए हैं। नंबर 5 कामरान अकमल, उमर अकमल। यह दोनों ही भाई पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेल चुके हैं। कामरान अकमल जहां क्रिकेट कीपिंग के साथ साथ शानदार बल्लेबाजी भी करते हैं, तो वहीं उमर अकमल भी तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने 53 टेस्ट मैच, 157 वनडे और इंटरनेशनल मैच, तो वहीं उनके भाई उमर अकमल ने 16 टेस्ट और 121 और 84 T20 इंटरनेशनल मैचों में भाग लिया है। नंबर 6 माइकल हसी, डेविड हसी। कंगारुओं की टीम में माइकल हसी और डेविड हसी की जोड़ी लोगों के बीच एक समय में अक्सर चर्चा का विषय बनी रहती थी। यह दोनों ही भाई अपने खेल प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे और दोनों ही खिलाड़ियों से ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बल्लेबाजी कर चुके हैं। माइकल हसी बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज है, तो वहीं डेविड हसी दाएं हाथ के बल्लेबाज है। नंबर 7 एलबी मोरकल और मोरने मोरकल। एलबी मोरकल और मोरने मोरकल को आखिर कौन नहीं जानता। यह दोनों भाई ही दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट की टीम के शानदार गेंदबाजी की भूमिका निभा चुके हैं। आखिरकार तेज गेंदबाजी के साथ भी दोनों भाई रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। नंबर 8 शॉन मोर्स और मिचेल मोर्स। इस लिस्ट में शॉन मोर्स और मिचेल मोर्स का नाम भी शामिल है। दोनों भाई ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। शॉन मोर्स ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाजी की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, तो वहीं मिचेल मोर्स ऑलराउंडर बेहतरीन ऑलराउंडर की सूची में आ चुके हैं। नंबर 9 ब्रेंटली और शॉन ली। 90 का दशक खत्म होने को था, क्रिकेट जगत का नया सितारा उभरने के लिए तैयार हो रहा था। वह एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज था। जब ऑस्ट्रेलिया के विश्व कप क्रिकेट का दबदबा हुआ करता था, तब एक गेंदबाज ने क्रिकेट प्रेमियों के दिल में अपनी जगह बनाई और आज भी कायम है। नाम है ब्रेंटली। ऑस्ट्रेलिया
के पूर्व आक्रामक गेंदबाज ब्रैडली को कौन नहीं जानता। उनकी गेंदबाजी की पूरी दुनिया कायल है। ब्रैडली ने 73 टेस्ट मैचों में 310 विकेट लिए, जबकि उनके भाई सोन ने अपनी टीम के लिए केवल 43 वनडे मैच ही खेल पाए। नंबर 10 डेविन ब्रावो और डेरेन ब्रावो। इस लिस्ट में डेविन ब्रावो और डेरेन ब्रावो की जोड़ी काफी मशहूर है। ये दोनों खिलाड़ी वेस्ट इंडीज टीम के लिए खेलते हैं। दरअसल ये दोनों खिलाड़ी सगे भाई हैं। ये गेंदबाजी के साथ साथ ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। आपकी फेवरेट ब्रदर्स की जोड़ी कौन सी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।